अच्छी पानी चाहिए और अच्छी गाय की तरह दूध पी रहे जैसे। और मीना भी जा रही है आज, तैयार हो गई है मीना। अब पापा बोल रहे अभी मत जा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप लोगों ने सोचा होगा मैं कहाँ चली गई ना, 3-4 दिन ब्लॉग बनाया बस छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली अक्षु की भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और इसी बीच में मम्मी का भी ऑपरेशन हो गया। 11 को मम्मी एडमिट हो गई थी, 12 को ऑपरेशन हो गया था मम्मी का। तो अभी मम्मी थोड़ा ठीक है, अक्षु भी ठीक है, और आज मम्मी गई है अपने टाँके कटवाने। सो मैंने सोचा आज थोड़ा ब्लॉग बना देती हूँ। और मम्मी का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया था, और हम अक्षु को भी थोड़ा बहुत खांसी थी तो इस वजह से हमें थोड़ा एक एक दिन छोड़ के उसको स्टीम के लिए जाना पड़ता था ऋषिकेश। ऋषिकेश पास ही था तो इसलिए हम चले जाते थे। और इसी बीच मैंने अपना हेयर कट भी करवा लिया है। अब मैंने बॉब कट करवाया है, लास्ट टाइम भी मैंने बॉब कट ही करवाया था। मुझे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरों पे अच्छे लगते हैं, मेरे लंबे बाल होते नहीं है, तो इसलिए मैं अपना हेयर कट करवा लेती हूँ। एंड समवन गेव मी दिस चॉकलेट, नाम नहीं बताऊँगी, सीक्रेट है। अभी मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रही हूँ। जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो तो मैंने ड्रायर कर दिए हैं। वैसे भी मुझे वॉशिंग मशीन के कपड़े ज़्यादा लगते नहीं कि साफ़ आते होंगे। मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कुछ तो मिसिंग है। बट आई थिंक फैमिली इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि शायद फैमिली को ही पहले देखना चाहिए। अदरवाइज आप लोग ही बोलते कि मैं अपनी फैमिली को नहीं देख रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। सो अभी मम्मी लोग भी आ गए हैं, बट मम्मी के टाँके नहीं कटे हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं बैठा पाता, तो इसलिए गए और जल्दी आ गए फिर। तो अभी देखते हैं खाना क्या बनाना है। सुनो खाना क्या बनाना है, मम्मी को पूछो। मम्मी के लिए खजूर। समझ नहीं आ रहा है खाने के लिए क्या बनाया जाए, तो मैं मम्मी को ऐसे एक्शन कर रही थी। हर किसी के घर में ही होता है खाने के लिए क्या बनाया जाए, बस समझ ही नहीं आता क्या खाना डेली। इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कढ़ी और चावल बना देती हूँ। मम्मी और अक्षु के लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ, दलिया मलका और थोड़ा चावल की। अभी मम्मी को थोड़ा पतला खाना ही खाना है, तो इसीलिए अभी मैंने थोड़ा घर के चावल ले लिए हैं, थोड़ा दलिया ऐड कर देती हूँ और थोड़ी सी मलका। अभी पतला खाना खाना ही बेस्ट है। ये मैंने अच्छे से धो दी है, अभी थोड़ा भिगाने रख देती हूँ, तब तक मैं अपनी कढ़ी की प्रिपरेशन करती हूँ। और अब इनको कढ़ी के साथ पकौड़े भी चाहिए प्याज के, सो लेट्स मेक। प्याज को भी फटाफट काट देती हूँ। एक तो आजकल बहुत मिर्ची वाले प्याज आ रहे हैं, जिससे मतलब पूरे ना आंसू ऐसे हो जाते हैं। कढ़ी तो हम 3 खाएंगे तो प्याज पकौड़ी भी इतनी बहुत है। तो अभी कर देते हैं प्याज कट, ठीक है। और हम हरी मिर्ची काटने के लिए कैंची का यूज़ करते हैं। ये कैंची हमारी स्पेशल किचन के लिए ही होती है, इससे हरी मिर्ची बारीक कट जाती है ना, तो इस वजह से मैं हाथ से हरी मिर्ची नहीं काट सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो हरी मिर्ची काट दी है मैंने बारीक। अभी पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। मिर्ची तो ऐड हो गई है, अभी नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मसाला भी डाल देते हैं, सो टेस्ट अच्छा आएगा। पकौड़ी के लिए मसाला भी तैयार हो गया है,
अब अच्छी बनेगी नहीं बनेगी ये तो खाने वाला ही बताएगा। तीन पकौड़ी मैंने डाल दी है, ये चौथी भी डाल दी है। ये बोल रहे थे आलू की पकौड़ी बनाओ, बट कढ़ी के साथ ना प्याज की अच्छी लगती है। और ये देखो कुछ पकौड़ी मेरी तैयार हो गई है, जो कि है बिल्कुल करारी करारी, और कुछ तैयार हो रही हैं। और कढ़ी के लिए मैंने डाल दिया है जीरा, जख्या, मेथी और ये लहसुन के पत्ते, जो हमारी छोटी सी क्यारी में और रखे हैं। और ये कढ़ी में डाल दिया है मैंने बेसन, सो भी जैसे ही बेसन पकेगा ऐसी है मठा डाल दूँगी। और इसमें है हमारी घर की मठा, एक ही मौसी ने दी थी और एक मम्मी लेके आई थी घर से। खट्टी कढ़ी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि आज मम्मी खाएगी नहीं, मम्मी को खट्टी पसंद नहीं है, तो आई विश खट्टी कढ़ी बन जाए, देखते हैं। काट देते हैं धनिया। और ये मेरी कढ़ी तैयार हो गई है, और अभी मैंने ऐड कर दिया है धनिया और जो मैंने पकौड़ी बनाई थी। कढ़ी तैयार। आज कढ़ी बना खट्टी खट्टी बनी है, सो आई एम सो एक्साइटेड टू ईट। ये देखो प्यारी प्यारी कढ़ी, कैसी हो रही थी कढ़ी? और ये देखो अक्षय अभी कर रहा है प्ले प्ले, उसको दिन में सोना नहीं है। अच्छी देख, जब देखो मिट्टी में छेड़ता रहता है तो इसको ना थोड़ा मिट्टी से दूर रखना पड़ता है। ये देखो अक्षु का फेवरेट गेम, इसको चाहिए बॉल और क्रिकेट और गाड़ी के टायर। अच्छी। और आज मौसम हो रखा है कुछ ऐसा, धूप नहीं थी पर ठीक ठीक था। बॉल के पीछे पड़ गया अब तो। हेलो दादी, कह रही हेलो। हेलो जोर से दादी, जोर से बोलो हेलो। हेलो दादी अपने कपड़े लेने आ रही छत में। मेरी नानी को याद कर रही है दादी। नानी आली ठीक है, आप तो मिलना ठीक है, आप तो मिलना आली नानी ठीक है। आप बर्क हो दी आज, रजे पेट बैठ जा आज बर्क होने वाले। मौसम ऐसा रखा है जैसे बारिश आने वाली है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बादल। और ये देखो अक्षु भी आ गया है छत में, और अभी पापा उसकी लेने गए हैं मंकी कैब। और इसने बैट जो हाथ में ले रखा है ना, इसे सबको मारता रहता है। अच्छी है देखो, अच्छी। और अभी बन रही है शाम की चाय। और उसके साथ में सच कहूँ तो किशोर बहुत अच्छे हैं, वो जेंटलमैन है। पर तुमसे एक बात कहूँ, शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जिसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। खुशी देखकर उदास है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैंने जान से दे दूँ तो बेशक उसमें मेरी ही गलती है, ऐसा कभी नहीं कर सकता। उमा कहाँ है आज? फ्रेंड्स को इंविटेशन दे रही है, 15 मिनट में आ जाएगी।
अभी हमारा खाना भी हो गया है डन, और अभी अक्षु इतना शैतान हो गया ना, देखो मेरा पजामा नहीं पहनाने दे रहा, और ये देखो मेरे फेस पे 3 पिंपल निकल गए हैं, तो मैंने दवाई लगा दी है, तो छट से छुमंतर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अक्षु ना रात को ना इस कंबल में ना पता नहीं क्या देखते रहता है, कल भी कुछ ऐसे ही देख रहा था और अब भी ना कुछ ऐसे ही देख रहा है। नहीं अभी तो दांत खा रहा है, तो कल पता नहीं क्या देख रहा था। अक्षु अक्षु देखो पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छी बिल्कुल मगन हो रखा है वो कुछ ढूंढने में, जैसे जंगल में कुछ खो गया होगा।